मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री कंवर पाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 5,38,00,000 की लागत से निर्मित संग्रहालय पहली जंग ए आजादी 1857 तथा वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का लोकार्पण किया। यहां पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया तथा विश्वविद्यालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक सामूहिक चित्र भी करवाया। इस संग्रहालय में परमवीर चक्र हासिल करने वाले वीरों की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में दीप शिखा प्रज्वलित कर बसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र के परिसर में कलाकारों के ठहरने के लिए एक भवन का प्रस्ताव तैयार करने की घोषणा की है। यह छात्रावास भवन कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेलों के दौरान भी प्रयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष, वैसाखी, नवरात्रि आदि पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा कला परिषद की तरफ से 2 दिन का सांस्कृतिक उत्सव किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे संध्याकालीन कार्यक्रम के रूप में सीमित करना पड़ा। वैसाखी का त्यौहार भाईचारे और खुशहाली का संदेश लेकर आता है। यह पर्व परिवर्तन का अवसर लाता है और किसान, मजदूर और कृषि से जुड़े लोग प्राचीन काल से इसे सामूहिक पर्व के रूप में मनाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें सत्ता को भोगने के उद्देश्य से आती थी, लेकिन वर्ष 2015 में हमने राज्य को सेवा करने का साधन बनाया। इस प्रदेश की 2.75 करोड़ जनता को अपना परिवार बनाया और हरियाणा एक हरियाणवी एक के उद्देश्य से प्रदेश को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से काम किया। हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री कंवर पाल ने बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू होना बहुत जरूरी है। 13 अप्रैल का दिन है, बैसाखी का पर्व है और साथ ही हिंदू कालगणना का नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम संवत 2078 ये भी आज शुरू हुआ है। मैं इन दोनों अवसरों पर हरियाणा के पूरे समाज को, देश के सब समाज को, जहाँ जहाँ दुनिया में हमारी संस्कृतियों को मानने वाले सब लोग, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज हरियाणा कला परिषद के द्वारा इस नववर्ष और वैसाखी पर्व के उपलक्ष में ये जो कार्यक्रम किया गया है, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आए हुए थे, सबको सबने अच्छे जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जो कला भवन, कलाकृति भवन यहाँ कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद का क्योंकि केंद्र है, उस कला संस्कृति भवन के अंदर इनको ठहरने के लिए एक ब्लॉक की जो अलग से आवश्यकता है, उसकी भी आज हमने मंजूरी दे दी है। आज आपने 1857 क्रांति का एक बहुत बड़ा म्यूजियम दिया है, पूरे देश की क्रांति किस तरह हुई थी वो देखने को मिलेगा यहाँ कुरुक्षेत्र में ही। आज 1857 की क्रांति के जो उस समय के कर्णधार, उस समय के शहीद, जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी, उनका जो म्यूजियम है उसको उसका लोकार्पण किया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि कुरुक्षेत्र में आने वाला हर व्यक्ति उस स्थान का भ्रमण करे, वहां जा करके उन शहीदों को प्रणाम करे और अपने जीवन में उसी प्रकार का एक भावना एक लेकर के देश के प्रति अपने दायित्व को समझे और देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें। कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई अपील रहेगी सीएम साहब, क्योंकि डेली डेथ रेशो भी बढ़ रही है, लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लोग रात को भी निकल रहे हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन भी कर रहे हैं। देखिए, हमने कुछ सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की है, मास्क पहनने के बाद कीप डिस्टेंसिंग, अपने आप को 2 गज की दूरी और इसी प्रकार से जो इस समय सावधानी बरतने के लिए हमने जो वैक्सीनेशन के टीके लगवाए हैं, उसके लिए भी जनता को अपील करता हूं कि सब लोग जो भी इसमें डिजर्व करते हैं, जिनकी बारी आ चुकी है 45 वर्ष से, सब लोग आकर के अपने वैक्सीनेशन के टीके भी लगवाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जितना इसमें से बचा जा सकता है बचना चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप और इसमें सावधानी रखेंगे। सर, एक मांग आ रही है कि इस समय जो है चेंज करने की डिमांड उठी थी, आपके विधायक ने भी डिमांड अभी विचार करेंगे उस पर।